बोल सत्य दरबार के जाओ। शुरू होगा जब हो रही हो पंजे जल मैं नाव कवल मैं बैठी आसन मार कह तन सगते मायरे कह तन दुर्गे मायरे उपजे जल मैं कवल मैं बैठे आसन मार कह तन सगते मायरे कह तन दुर्गे माय शंकर माई मौसम करे थे पहली भेट में तोर फेर दोबार जिंदे कर दिए शब्द चढ़ाए तेरी भेट में पेट में ज्ञान बताए सिर देर माल्याए तन गणा जो चार कह तन सगते माई रे कह तन दुर्गे माई रे उपजे जल में ना कवल में बैठे आसन मार कह तन सगते माई रे कह तन दुर्गे माई रे ब्रह्मा जी तया डर दे दिया तुम रचना करो न ज्ञान के और सदति दई रचाए पृथ्वी पर शपत करो आसमान के ज्ञान की खान बताए कला सवाए और पूजे सब संसार कह तन सगते माई रे कह तन दुर्गे माई रे जल में ना कवल में बैठे आसन मार कह तन सगते माई रे कह तन दुर्गे माई रे तार दार का बास की आता कला सब और कामदेव ने दाल फलाया मौसम सोरे बंद मास पेर करो मत देर करो सुन ले मरी पुकार कह तन सगते माई रे कह तन दुर्गे माई रे जल में कवल में बैठे आसन मार कह तन सगते माई रे कह तन दुर्गे माई रे
भगत जनो पखो सरो सगती मेरे जगड़े दुकान समारते और भगत जनो पखो सरो सगती मेरे जगड़े दुकान समारते और करण संग माजरे आला दोष तो के तारते आरती मनीष दिन गाऊ तन मनाऊ मारा करिए बेड़ा पार कह तन शक्ति माई कह तन दुर्गे माई कवल में बैठे अपने मार कैतन शक्ति मारी कैतन दुर्गे मारी बोल शक्ति दरबार की जय भाइयों राम 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 राम। आज फिर आपका चैनल रियल बाबा वाइस में बाबा इमराज नाथ बाबा राजवीर नाथ महाराज मैंने बेरा आप मानो तक कोनी पर एक रिक्वेस्ट है एक रिक्वेस्ट ने भी ना समझा बाबा हिंदी समझेगा एक याचना करूँ महाराज यो जो महाराज है महाराज नाथ ने सृष्टि की बात बताई है ना सृष्टि कहाँ से इससे पे गाड़ दे कोई कोई इसके मिलती जुलती हो तो फिर शब्द सुनाएंगे आप सच्चे दरबार की जाओ होर जल मत से पहले प्रगट या अग्नि बनाए बाल जलते धोनी जगाए जल मे कले पर घटिया अग्नि बनाए बाल सीने जलते छोटे छोटे उड़े थे चंगारे थोड़ी नीले गगन में जाते चमके थे तारे ओ के तारे और बीच में चंद्रमा तारे नुक बीच में चंद्रमा तारे उड़ रोशनी सवाए बाल ऋषि ने जल पर धोने जगाए जल मत कले पर गटिया अग्नि बनाए बाल ऋषि ने जल पर धोने जगाए का लगा एक सुंदर जल का और जल में तलाट उठी खेला फूल कमल का हो जलमल जलमल जल का
जा खोले कमल का और फूल नहीं था हल्का जिसमें फूल नहीं था हल्का जिसमें सगतीर पाए बालर की न जल से थोड़ी जगाई जल मे थले पर घटिया अगनी बनाए बालर की न जल से थोड़ी जगाई हो में बिस्लू नचा बनी नारे रे सदी और नर तसरत के घूंगर वो की वापरे पाल बजे थी तो सरत के भूगर वो की भापरे पाल बजे थी और घमंड तजी थे ओड़े नुक घमंड तजी थे ओड़े मेरी सगती अमाए बालर सीने दल पे धोनी जगाई दल माच दर्शन मेला हो सन संग पले ओम सार केला और फेर हो बाल रेसी होया दर्शन मेला और बड़े आपस में दारू और चेला नुका बड़े आपस में दारू और चेला या जग में रित चलाए भालर सीने जल से धोनी जगाए जल मत पहले पर घटिया अग्नि बनाए बालर सीने जल पे धोने जगाई बोल सत्य दरबार की जय बोल बाबा अमराजनाथ महाराज की जय हो आशीर्वाद दे दिया अच्छा तो दे दे तो फिर सेठ तारा सिंह मत एक बात सुना दियो सुना दे हैं सुना दे धर्मवाल की साधु का रूप में बैठी और सेठ तारा सिंह का लगा जी चल महाराज जी आप हमारे घर पर चलो हम आपकी सेवा करना चाहवा हां तो वो जो बाबा के रूप में बैठी थी इनको कहने लगी तो मेरी बात सुनिए बोलो ना मिश्री ले ले चुप हो जा मिश्री मुंह रख नु बोलया साधु सा घर बारी को न्या हम साधु सा घर बारी को न्या इतने अत्याचारी को न्या पेट के पुजारी को न्या घर घर मंगे खाए जा साधु सा घर बारी को न्या अजा जी हाँ जी आपने को हो गए मैंने गाने दोगे कि ना गाने दोगे बात याद आ गई हाँ। भाइयों यो बोझ तारा सर पे है तुम सुन जरूर लो पर इसका गाना बताना पड़ेगा तुमने क्योंकि फिल्मी रंग है यो फिल्मी है ना जी फिल्मी रंग है फिल्मी रंग है हाँ। गाड दो आज तो अटके 17 साल के बन गए
साधु सा घरबारी कोन्या इतने अत्याचारी कोन्या पेट के पुजारी कोन्या घर घर मंगे खाए जा साधु सा घरबारी कोन्या साधु धोरे साधु आजा लगे ज्ञान के रगड़े रे वेद विखाने चरण की खकरी हम भी ओल्या तगड़े रे वेद विखान करण की खकरी हम भी ओल्या तगड़े रे छोड़ दिए सब झगड़े टंके बड़े दूधा के छलके बंटे हो जा चौबीस घंटे नू बोले जा बदलाए जा साधु सा घरबारी कोन्या बेटी घने आदमी चतुर मिले और थोड़े मिला देखू कदे गर्मी कदे सर्दी चाहिए कदे चाया कदे धूप जिसा रूप उषा जादू चाहिए ना कमती ना बदू चाहिए ढूंढे ऊपर साधु चाहिए सेवक आए जाए जा साधु सा घर बारी कोन्या पेट के पुजारी कोन्या इतने अत्याचारी कोन्या मंगे जा बतलाए जा साधु सा घर बारी कोन्या लक्ष्मी चंद संता मानल के वाणी कथा बेअंत कदे रे भोजन भजन करण की खतरी सही जगह एक संत मिले मैदान बहुत से घूमन ने दिया बानी बहुत से हमारे पास समान बहुत से खाए जा संगवाए जा साधु सा घर बारी कोन्या पेट के पुजारी कोन्या इतने अत्याचारी कोन्या घर घर मंगे खाए जा साधु सा घर बारी कोन्या कलिया चढ़ा ग्लूकोसा आग मीच गया सर मैं ये कह रहा हूँ हाँ जी हाँ जी आजाद जी गाने को हम मैं तीन भागों में बांट देता हूँ हाँ जी एक गाना जो आजकल गाँव है हाँ गढ़वा बंजू लगा ले हाँ। अच्छा लगता है कोई बात नहीं है एक गाना सांगियों का जो पूरे साजबाज के साथ ऊंचे सुरों में गाया जाता है फिर आ गया बम्बई वाला गाना तो ये क्लासिक गाना किसने कहोगे कि जिसने सुने हमने क्लासिक शब्द कितने वो यूज कर दिया जो क्लासिक क्यों है क्लासिक का मतलब ये है जी वो मतलब शुरू में गाने को सीखने से पहले बंधा हुआ था वो और रागों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है रागों का ज्ञान क्योंकि ये जो गायक जो गायन विद्या है ये रागों से निकली है रागों से अच्छा जी, अच्छा, है ना तो
ये संपूर्ण जो है ये राग हम सीख ली, पूरा सुर में उतरे वो क्लासिक है, वो क्लासिक समझ गया ये बात है। वो क्लासिक है, यो गाना जो आपने गाया ना यो मैंने कहीं नहीं सुना, फिल्म में भी सिख सुना हो इन नैनो में गजरा छाए, ये वो तो गाना था, एक बार बजा के दिखाइयो गाने के बोल गाने पड़े हैं जाजू। नैनों में गजरा छाए, मेरे ध्यान को